पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए वो वाकई में किसी सर्कस से कम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, तो वहीं अब खबर ये निकल कर आई है कि भैया जो मोहम्मद हफीज साहब है, मिस्टर प्रोफेसर जिनको कहा जाता है, उनका बयान आया है सोशल मीडिया के ऊपर। उनका कहना है कि भैया मैं आने वाले समय में अब पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोलूंगा और अंदर की बातें बताऊंगा कि भाई क्या कुछ गड़बड़ियां इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बाल्टी में कई सारे केकड़े पड़े हुए हैं और कोई भी एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी कुछ पाड़ कर नीचे खींच लेते हैं। मतलब आप पाकिस्तान क्रिकेट की उद्धार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो या एक दूसरे को गिराने के लिए, बात समझ से परे। जब पाकिस्तान एक बहुत ही घटिया प्रदर्शन के बाद में वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था पिछले साल, उसके बाद में खबर आई थी कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट को अब रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, कोचिंग स्टाफ बदला गया, कप्तान हटाया गया, नए कप्तान लाए गए, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान लाए गए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद में जब 2 महीने बीत चुके हैं तो उसके बाद एक बार फिर से वही सब चीजें होती हुई दिख रही है। मोहम्मद हफीज, जिनका ये कार्यकाल करीब 4 साल का बताया जा रहा था कि ये बंदा 4 साल तक काम करने वाला है एज अ टीम डायरेक्टर, उसका जो पूरा का पूरा कार्यकाल था वो मात्र 2 महीने में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर भी कुछ कम कांड नहीं हुए। मोहम्मद हफीज के रहते में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया टूर खेलने के लिए नहीं बल्कि फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए जा रही है। वहीं मोहम्मद हफीज को लेकर 1 जनवरी को खबर यह भी निकल कर आई थी कि ये महाशय अपनी बेगम के साथ में कॉफी पीने में इतने मशरूफ हो गए कि ये अपनी फ्लाइट को ही छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा इनडिसिप्लिन वाला पूरा एक मैटर हुआ था, उसके ठीक पहले हफीज का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटरों से कहा था कि अगर कोई ड्रेसिंग रूम में सोता हुआ मिला या किसी भी तरह की गलत काम करता हुआ मिला तो उसके ऊपर $500 का जुर्माना लगेगा, और भाई साहब खुद ही फिर इस तरह के काम करते हुए फंसे। तो वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट किसी मजाक से कम नहीं बन गया आज की तारीख में। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल है कि थमने का नाम लेता ही नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में वाकई में बवाल के नाम पर तमाशे चल रहे हैं। कप्तान, कोच सबको हटा दिया गया, नए लोगों की भर्ती हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक बदले गए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में अब भी रार थम नहीं रहा। टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद 4 साल के लिए नियुक्त किया गया डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को 2 महीने में ही लात मार दी गई। इसके बाद अब हफीज ने पीसीबी को सबक देने की बात कही है और कहा है कि अब मैं सबकी पोल खोल दूंगा, और खुलेआम इस बात को लेकर वो धमकी दे रहे हैं। बता दूं कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के घटिया प्रदर्शन के बाद टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्योंकि पहुंच ही नहीं पाई थी, इससे पहले ही बाहर हो गई थी। तो इसी के बाद में टीम के निदेशक के रूप में हफीज को अपॉइंट किया गया था। हालांकि फिर भी किसी तरह के परफॉर्मेंस में कोई सुधार हुआ नहीं और चीजें बद से बदतर ही चलती रही। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की 3-0 से हार हुई। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड से 4-1 से हार गए। इस दौरान हफीज ने टीम के डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली हुई थी, मगर अब पद से हटाए जाने के बाद हफीज ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करी गई थी लेकिन बाद में से घटाकर 2 महीने में खत्म कर दिया गया। हफीज ने कहा कि वो उन सभी गैर क्रिकेट तथ्यों का भी खुलासा करेंगे जिन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन में मदद करी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि मैंने हमेशा सम्मान और गौरव के साथ पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी और उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। मैंने पॉजिटिव सुधार करने के लिए बड़े जुनून के साथ पीसीबी निदेशक के रूप में नई अपनी भूमिका को स्वीकार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से पीसीबी द्वारा 4 साल के लिए प्रस्तावित मेरे कार्यकाल को 2 महीने में खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान हफीज ने आगे कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले जिम्मेदारी लेता हूं और दिए गए समय में अपने कामों के लिए खुद को जवाबदेह मानता हूं। अब सभी क्रिकेट और अन्य शौकिया गैर क्रिकेट तथ्यों का खुलासा करूंगा जो खराब प्रदर्शन का कारण बने। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद हफीज को उनके बहानेबाजी के लिए आलोचना करी गई थी। उन्होंने पहले अभ्यास मैच के लिए पिच की आलोचना करी, बाद में कहा कि पाकिस्तान ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बेहतर क्रिकेट खेला जहां टीम को 89 रन से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान की हार के लिए DRS और खराब एम्पायरिंग को भी जिम्मेदार ठहराया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि हफीज की लंबी टीम बैठकों के कारण खिलाड़ी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मतलब ट्यूनिंग तो महाशय की ही नहीं जम पा रही थी। वहीं जब हफीज का ये बयान निकलकर सामने आया तब लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो क्योंकि तुम इतने जरूरी खिलाड़ी हो नहीं बल्कि सिर्फ एक एवरेज खिलाड़ी हो जो कि कोई भी ढंग का काम कर नहीं पा रहा। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस तमाशे के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।